अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन इन डिफरेंट एनिमल्स। तो ह्यूमंस में हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं अदर एनिमल्स की, तो दूसरे एनिमल्स जो होते हैं उनमें जो चैम्बर्स होते हैं उनमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। मतलब कि अगर मैं फिशेस की बात करूं तो फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 2 ही चैम्बर्स होते हैं हार्ट में। इसके अलावा एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 2 ऑरिकल्स होंगे, 1 वेंट्रिकल होता है। और ह्यूमन बींग्स में हमें पता है 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, और बर्ड्स में भी ह्यूमन बींग्स की तरह ही 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं इन द मैमल्स एंड बर्ड्स। तो मैमल्स में पूरे ह्यूमन बींग्स हैं और भी अदर एनिमल्स इंक्लूडेड रहते हैं इसमें, बर्ड्स मतलब पूरी बर्ड्स इसमें इंक्लूड होती है। तो बर्ड्स और मैमल्स की अगर बात करें तो बर्ड्स एंड मैमल्स में 4 चैम्बर्स हार्ट होते हैं। कितने चैम्बर्स? 4 चैम्बर हार्ट अवेलेबल होते हैं। तो जो चैम्बर्स हैं उसमें 4 हैं, और 4 में से 2 ऑरिकल्स रहेंगे और 2 वेंट्रिकल्स रहेंगे, ठीक है। ऑरिकल्स में भी लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल रहेगा, और वेंट्रिकल में भी लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रहेगा, ठीक है। तो हार्ट है 4 चैम्बर्ड हार्ट, 2 ऑरिकल्स प्लस 2 वेंट्रिकल्स। अब इसमें अगर हम बात करें सर्कुलेशन की, तो सर्कुलेशन जो होता है उस कंडीशन में जो प्योर ब्लड है, आई मीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो इम्प्योर ब्लड है मीन्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये दोनों ही जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो वेल सेपरेटेड होता है। मतलब कि कोई भी मिक्सिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती है, कोई भी मिक्सिंग यहाँ पे नहीं होती ब्लड की। कहने का मतलब ये है कि प्योर ब्लड के साथ इम्प्योर ब्लड बिल्कुल भी मिक्स नहीं होता, इतना ज्यादा ये वेल सेपरेटेड होता है एक दूसरे से, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट साइड के पोर्शन में अगर देखा जाए तो प्योर ब्लड आके बॉडी में चला जाता है, और जो राइट साइड का चैम्बर है, राइट साइड के दोनों अपर एंड बिलो दोनों चैम्बर्स में हमारा इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है जो सेपरेटेड होता है। तो इस टाइप में, आई मीन 4 चैम्बर्ड हार्ट में देखा जाए जो मैमल्स एंड बर्ड्स में है उनमें मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है। तो नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अकर्स, इसमें मिक्सिंग नहीं होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैमल्स और बर्ड्स के लिए। क्यों? क्योंकि मिक्सिंग ना होने की वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है उसका प्रॉपर इफिशियंटली डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर एक सेल्स एंड टिश्यूज में। मतलब जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा अमाउंट में हर एक सेल्स एंड टिश्यूज के पास जा पाती है ना। अगर मिक्सिंग हो जाती तो इस कंडीशन में जो ऑक्सीजन का प्रॉपर इफिशियंटली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता, ठीक है। अब जब प्रॉपर इफिशियंटली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ऑक्सीजन का, तो ज्यादा ऑक्सीजन अगर हमारी सेल्स एंड टिश्यूज के पास जाएगी तो उससे क्या होगा, ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। मतलब जो एनर्जी बनेगी वो बहुत ज्यादा एनर्जी बनेगी। अब जब एनर्जी बहुत ज्यादा बनेगी तो इसकी वजह से हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा अगर गर्म टेम्परेचर हो, अगर बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है इंटरनल वो हम एक सेम रखेंगे, ठीक है, रख पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। सेकेंड, अगर हम बहुत ज्यादा कोल्ड कंडीशन में रह रहे हैं, कोल्ड क्लाइमेट में रह रहे हैं, तब भी हमारे इंटरनल जो बॉडी टेम्परेचर है वो सेम ही रहता है। ऐसा नहीं है कि जो बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा कम और बहुत ज्यादा ही ज्यादा हो जाए, हाई हो जाए, ठीक है। तो मतलब ये इसी वजह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हार्ट में मिक्सिंग बिल्कुल नहीं होती है, और मिक्सिंग ना होने की वजह से हाई एनर्जी हम प्रोड्यूस कर पाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन इजीली, क्योंकि ऑक्सीजन हर एक पार्ट में पहुंच पाती है, ठीक है, और इसकी वजह से हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। और यही रीजन है दैट वी आर वार्म ब्लडेड, हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, वी एंड बर्ड्स, जितनी भी बर्ड्स हैं वो भी। और मैमल्स और बर्ड्स हम दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों की जो एनर्जी नीड है, एनर्जी डिमांड है, वो भी बहुत ज्यादा होती है ना, और उनका जो एनर्जी डिमांड बहुत ज्यादा होती है ताकि वो अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए, ठीक है। तो ये छोटा सा सर्कुलेशन का डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं 4 चैम्बर्स है, 1, 2, 3, 4 अपर ऑरिकल्स, बिलो वेंट्रिकल्स, लंग्स के पास से रेड एंड ब्लू क्लियरली आपको इंडिकेट कर रहा है कि रेड इज प्योर, ब्लू इज इम्प्योर। तो लंग्स के पास से जब ब्लड जा रहा है तो ये आपका रेड प्योर ब्लड है, ठीक है, और बॉडी ऑर्गेन्स के पास से जो लंग्स के पास जा रहा है, बॉडी ऑर्गेन्स से लंग्स के पास जो जा रहा है वो आपका इम्प्योर ब्लड है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि डबल सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है। डबल सर्कुलेशन मतलब एक बार में आपका प्योर ब्लड जा रहा है हार्ट के पास से, और दूसरे टाइम आपका इम्प्योर ब्लड हार्ट के पास से क्रॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें डबल सर्कुलेशन रहेगा किसमें, बर्ड्स एंड मैमल्स में। तो ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में,
नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है फिशेस, मछलियां जो होती हैं उनमें कैसा सर्कुलेशन होता है। तो सबसे पहले जितनी भी फिशेस हैं, ठीक है, कुछ फिश को छोड़ के, जैसे वेल फिश हो गई, उनको छोड़ के अगर बात करी जाए अदर फिशेस की, तो उनमें जो हार्ट के चैम्बर्स हैं वो दो ही चैम्बर्स होते हैं। कितने? ओनली टू चैम्बर्स, ठीक है। एक ऊपर का रहेगा ऑरिकल और एक नीचे का वेंट्रिकल रहेगा। कोई भी लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल्स इसमें नहीं होते हैं। अब जब दो चैम्बर्स हैं तो यहाँ पे सर्कुलेशन कैसा रहेगा? सिंगल सर्कुलेशन रहेगा, है ना। तो इसमें डबल सर्कुलेशन नहीं रहता, इसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। अभी मैं आपको बताऊंगी इस डायग्राम से। नेक्स्ट, मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आकर्स, दैट्स वाई दीज आर कोल्ड ब्लडेड। अब इसमें क्या होता है कि चैम्बर्स हैं दो, ठीक है, तो दो चैम्बर होने की वजह से एक बार जब आपका प्योर ब्लड आएगा, ठीक है, और बॉडी ऑर्गन्स के पास जाएगा, तब वहां से जब इम्प्योर ब्लड आता है तो दोनों ब्लड थोड़े बहुत मिक्स हो जाते हैं, तो इसमें मिक्सिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओनली टू चैम्बर्स, ठीक है। हम देखते हैं कैसे। अब आप देखिए, ये गिल्स है, गिल्स इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। हमारी बॉडी में लंग्स है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इनकी बॉडी में गिल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है, जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। अब गिल्स से, जब गिल्स के पास से ब्लड निकल के जाएगा तो वो बन जाएगा प्योर, ठीक है, इसलिए मैंने इसे रेड से इंडिकेट किया है। तो दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के पास जाएगा, ठीक है, तो बॉडी के पास जाने के, जैसे वो बॉडी के पास जाएगा तो ऑक्सीजन ऑर्गन्स में चली जाएगी और वहां से CO2 ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगी। तब जैसे CO2 डिफ्यूज होगी तो ब्लड आपका बन जाएगा इम्प्योर, डी ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा। अब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आपका हार्ट के पास से निकलेगा तो फर्स्ट ये एंटर करेगा ऑरिकल में, उसके बाद ही एंटर करेगा आपका वेंट्रिकल में। तो वेंट्रिकल से जब ये क्रॉस होगा तो वेंट्रिकल इसको पंप करेंगे, ठीक है। वेंट्रिकल जब पंप करेंगे तो फोर्सफुली जो ब्लड है वो गिल्स के पास से गुजरेगा, है ना। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हार्ट का क्या रोल है, जब ऑलरेडी आपका जो ब्लड है वो प्योर आपका बॉडी के पास पहुंच गया है। तो इसमें हार्ट का ये रोल होता है कि जब वेंट्रिकल से ब्लड फोर्सफुली निकलता है तो वो गिल्स से होते हुए ब्लड बॉडी में जाता है, ठीक है। जब वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप करते हैं तो जो आपका ब्लड निकल के आता है ना, तो ब्लड गिल्स के थ्रू बॉडी में जाते हैं। तो जब गिल्स के थ्रू बॉडी में जाएगा तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में जाता है, और उस कंडीशन में जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये वेंट्रिकल्स के पंप करने के बाद निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका रोल है कि वेंट्रिकल से निकल के आएगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, जिस वजह से पूरे बॉडी ऑर्गन्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है फिशेज में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, थोड़ा बहुत मिक्सिंग होने की वजह से ये जो होते हैं फिशेज, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। मतलब इन्हें, इनका जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर, वो मेंटेन करके नहीं रखना पड़ता। मतलब अगर फिश के बॉडी के बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए 50 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है, तो उसके बॉडी का जो टेम्परेचर है इंटरनल, वो भी 50 डिग्री फ़ारेनहाइट ही हो जाएगा, है ना। मतलब जो बाहर का टेम्परेचर है, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, वही इसके ब्लड का टेम्परेचर सेम हो जाता है। ऐसा हमारी बॉडी में नहीं होता, ठीक है। तो मतलब इन्हें बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करना पड़ता बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द हार्ट। अब इसमें सर्कुलेशन सिंगल टाइप का सर्कुलेशन होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में जो हार्ट होता है वो थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। थ्री चैम्बर्ड हार्ट मीन्स उनके पास ऑरिकल्स का लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल रहेगा और वेंट्रिकल का सिर्फ एक ही वेंट्रिकल रहता है। वेंट्रिकल दो आपके, मतलब दो वेंट्रिकल लेफ्ट एंड राइट इसमें नहीं होते एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे टू ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल, डबल सर्कुलेशन इसमें प्रेजेंट है। मैं आपको बताऊंगी कैसे होगा डबल सर्कुलेशन। तो आप देखिए, ये हार्ट है जिसमें राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल दिया है और उसके नीचे आपका वेंट्रिकल दिख रहा है आपको, ठीक है। अब जब लंग्स के पास से ब्लड होके निकलेगा तो वो प्योर ब्लड रहेगा और वो वेंट्रिकल से होके, मतलब वेंट्रिकल पंप करता है, तब जाके ये बॉडी ऑर्गन्स के पास आएगा आपका ब्लड। तो लंग्स के पास से वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल पंप करेगा एंड देन इट कम्स टू द बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स तक आएगा, तो ये आपका प्योर ब्लड है। तो एक बार वेंट्रिकल में गया, उसके बाद बॉडी ऑर्गन्स के बाद जब ब्लड वापस आएगा, है ना, तो वो अगेन
राइट ऑरिकल में आएगा पहले, देन अगेन इट विल कम इन टू द वेंट्रिकल. अब आप देख सकते हैं वेंट्रिकल ऐसा चैम्बर है जहां पे आपका प्योर और इम्प्योर दोनों ब्लड यहाँ पे आके मिक्स हो रहे हैं, है ना. यहां से जब आ रहा था तो वो वेंट्रिकल से होके क्रॉस किया था, और जब यहां से जा रहा है तब भी वो वेंट्रिकल से होके क्रॉस करके लंग्स में आ रहा है. तो इस वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर मिक्सिंग हो रही है ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड की. यही रीजन है कि ये कोल्ड ब्लडेड है. इनमें भी सेम फीचर है जैसे कि आपका फिशेस का है, कि जो बाहर का टेम्परेचर वही इंटरनल टेम्परेचर, उन्हें अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना पड़ता लाइक ह्यूमन बींग्स एंड बर्ड्स. ठीक है, तो मिक्सिंग इसमें होती है ऑफ ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, इसी वजह से ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं. डबल सर्कुलेशन आप देख सकते हैं, एक बार प्योर ब्लड गया वन साइकिल, और एक बार इम्प्योर ब्लड गया, दिस इज सेकंड साइकिल. तो ये पूरा था डिफरेंट टाइप ऑफ हार्ट एंड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द हार्ट इन डिफरेंट एनिमल्स. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द ब्लड प्रेशर.